इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगी। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। छोड़ो! तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं, अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। छोड़ो! तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। माँ का आशीर्वाद दीजिए, मैं सब ठीक करेगी। जिंदल साहब कहाँ चले गए? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा, और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मैंने तलाक के नए कागज बनवा दिए, अब आप इन पेपर्स पे साइन करके ये रिश्ता खत्म कर सकते हैं। आपने पूछा था ना आप पर भरोसा है या नहीं, बस वही भरोसा करने की सजा है। हमारे बीच में ना कोई रिश्ता था, ना है और ना ही रहेगा, इसलिए मेरी पत्नी होने का नाटक अब तुम बंद करो। अब आप लोगों को ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। अरे भाई और भाभी ने क्या शानदार नाटक किया है सबके साथ। अब तुम देखना आगे क्या होता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बस बहुत हो गया ये सब, अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल साहब? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। जूस इतना कड़वा क्यों लग रहा है? इस लग रहा है किसी ने इसमें शराब में। जिंदल साहब हमें है ना अंगद जी को बस शराब पी, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप अपने मुंह से अपने सभी साथियों के नाम बोल। मुझे गुड्डन से शादी करनी है ना तो भाई को मारना होगा। बहुत नाच लिया दुर्गा जी के इशारों पर। हमें आपसे कुछ कहना है। देखिए जिस वजह से आपने हमसे ये मंगलसूत्र लिया था भले आपके लिए ठीक थी, पर एक सच है जो हम आपको कहना चाहते हैं। माना कि इस घर में रहने का निर्णय हमने तब लिया था जब रावत जी ने हमें आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा, पर इस घर में बिताए एक एक पल की, एक एक रिश्ते की कसम खा कर कहते हैं कि हमें आप पर पहले दिन से यकीन था। भले आप हम पर गुस्सा करते थे, भले हमारा रिश्ता भी इतना करीबी नहीं था,
एकदम नया नया था, पर फिर भी हम जानते थे और यकीन करते थे कि आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। जिस इंसान को गलतियां और गलती करने वालों से सख्त नफरत हो, वो इंसान कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो इंसान अपने प्यार को, अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को चोट नहीं पहुंचा सकता। पता है जिंदल साहब, हमें ना हमेशा हमेशा आपकी आंखों में सिर्फ सिर्फ सच्चाई नजर आई है और आती रहेगी, क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। और जैसे आपका साथ सच्चा है ना, वैसे हम आपसे एक सच्चा वादा करना चाहते हैं आज कि हम गुड्डन अक्षत चिंदन हमेशा आपके साथ रहेंगे। कोई भी मुसीबत आप पर नहीं। कितना बोलती हो तुम गुड्डन, आई ट्रस्ट यू, और अपनी की हुई गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगता। नहीं, तुम पे शक किया मैंने, नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज सबके सामने मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूं और पूरे मन से, पूरे दिल से तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मैंने गुड्डन को मंगलसूत्र पहनाने के अलावा एक और वादा किया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढ के निकालूंगा। कौन है वो? प्लीज बताइए ना अंगद जी, कौन है वो? अपनी बहू दुर्गा की इस गलती की कौन सी सजा सुनाएगी इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन? आज के इस दिन को खास बनाने के लिए मैंने और वेदू ने मम्मा और साहिल पापा के लिए बहुत स्पेशल चीज रेडी की। दो दिल जो कभी जुदा नहीं हुए, साहिल और वेदिका, उनके अनोखे प्यार की खूबसूरत लव स्टोरी। वेदू, विराट कहाँ है? कल खुले की कार्रवाई का आखिरी दिन है। कार्रवाई तो तब होगी ना अबू, जब अम्मी और अलीना इस कार्रवाई को होने देंगे। वो दोनों काजी साहब के घर गए दरखास्त करने ताकि कबीर और जारा का रिश्ता बचा सकें। इस खुला को होने से रोका भी तो जा सकता है ना। कबीर भाई, सारा भाभी भी मुंबई में है और वो आपसे मिलना भी चाहती है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। ये वही लड़की है जिसने अपनी कार से आपका एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट किया नहीं, एक्सीडेंट हुआ था इंस्पेक्टर साहब। इसकी गलती नहीं है, मैं खुद बिना देखे सड़क क्रॉस कर रही थी। इसने कुछ नहीं किया, शी इज इनोसेंट। गाड़ी तो यही है, पर शर्लिन कहाँ है? मुझे एक गुरु की जरूरत है जो मुझे शिक्षा दे सके, उस चुड़ैल के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दे सके। और इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है वनराज। तो बताओ, बनोगे मेरे गुरु? जैसा छोटा मोटा आइडिया नहीं, ये तमाशा रोकने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा, जिसका सारा इल्जाम दीप पर लगे। मल्हार जी, मैं आपको जेल से छुड़ा के ही रहूंगी। प्लान का दूसरा स्टेप लेने का वक्त आ गया है।
ये सब करने से हम उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे जिसने वो झूठी चिट्ठी लिखी है? प्ले करो। ये सच है कि वो चिट्ठी राव साहब की लिखी नहीं थी। अप्पा की लिखी ही नहीं थी तो फिर किसकी लिखी थी वो चिट्ठी? हम में से कोई? हाँ। मिन्नतों बाद किस्मत भी अपना मुख मोड़ ले रही है और फिर एक साथ ले आ रही है इन दो प्यार करने वालों को। कैसे मुकम्मल होगा ये बचपन की दास्तां का प्यार, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का अगला रोमांच भरा सप्ताह। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार।